जिंदाबाद जिंदाबाद मोदी सरकार मुर्दाबाद 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 नागरिक लेकर रहेंगे लेकर रहेंगे लेकर जिंदाबाद जिंदाबाद तो एकता जिंदाबाद 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 तो एकता जिंदाबाद 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 तो एकता जिंदाबाद 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 मोदी सरकार मुर्दाबाद 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 नागरिक लेकर रहेंगे लेकर रहेंगे लेकर रहेंगे न्यूनतम वेतन लागू करो लागू करो लागू करो न्यूनतम वेतन लागू करो लागू करो लागू करो लागू करो लागू करो लागू करो मजदूरों का बोनस लागू करो लागू करो लागू करो सरकारी भत्ता खत्म करो। आज भारत बंद के दूसरे दिन आप कहाँ हैं और किस रूप में हैं? आज भारत के बंद के दूसरे दिन हम नारायणा क्षेत्र में हैं और नारायणापुरा कीर्ति नगर और नारायणा फेस वन फेस टू में पूरा जुलूस निकाल रहे हैं और यहाँ पर पूरे फैक्ट्रियों को बंद करा रहे हैं जो पहले से ही बंद पड़ी है। नारायणा क्षेत्र कौन सी जगह पे है दिल्ली के? नारायणा आपके क्षेत्र मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र के पास है और नारायणा आपको पिन कोड 28 पड़ता है और यहाँ पर पूरा जबरदस्त तरीके से स्ट्राइक है और इस सफल स्ट्राइक में सब लोग मजदूर भाग ले रहे हैं। बंद में कितने लोग शामिल हैं? आज के बंद में कम से कम आपको 2000 से ऊपर सिर्फ इंडस्ट्री एरिया में लोग इकट्ठे हुए हैं और इसके साथ अभी काफी साथी इकट्ठे। क्या आप संदेश देना चाहेंगे कि आज का बंद नारायणा औद्योगिक क्षेत्र पूरी तरह से सफल है या नहीं? आज का जो ये बंद है नारायणा क्षेत्र में पूरा पश्चिमी दिल्ली में पूरा अच्छी तरह से बंद सफल है और आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि इसका परिणाम अच्छा होगा। भारत बंद है, भारत बंद में आप लोगों ने दिल्ली के कई क्षेत्रों में बंद का नेतृत्व करा, इसकी मुख्य मांगे क्या है? मुख्य मांगे हमारे जो है, सबसे पहला न्यूनतम वेतन जो दिल्ली का है वो लागू किया जाए और दूसरा है नेशनल वेज कि जब जीएसटी सरकार पूरे देश में एक कानून लागू कर सकती है तो क्या हमारा न्यूनतम वेतन एक जैसे लागू नहीं कर सकती। हमारा पहला मांग है कि पूरे देश में न्यूनतम वेतन एक जैसा लागू हो। दूसरा मांग है हमारा कि ठेकेदारी प्रथा जो मजदूरों की शोषण हो रही है ठेकेदारी के माध्यम से उसको समाप्त कर मजदूरों को कंपनियों की तरफ से स्थायी किया जाए। इसके साथ ही ESIPF बोनस जहाँ नहीं मिलता है उसके जो सीलिंग है जो 21,000-15,000 उसको समाप्त करके पूरे वेतन पे ESIPF और बोनस दिया जाए और साथ ही ये भी मांग है कि ग्रेजुएटी का राशि जो है वो कम से कम 45 दिन प्रतिवर्ष किया जाए। दिल्ली में कितने श्रमिक हैं और बाकी जो आपने मांग बताया इससे कितने श्रमिक पीड़ित है? यहाँ तो कम से कम 45 लाख से अधिक मजदूर है जो इससे पीड़ित है दिल्ली में और NCR में तो बहुत ज्यादा ही है और सबके लिए अधिकार के लिए आज हमें लड़ाई लड़ रहे हैं, हड़ताल जारी किए हुए हैं और इसको पूरे सफल करके रहेंगे। क्या आपको लगता है कि आज के हड़ताल से आपकी आवाज केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के श्रम विभाग तक पहुँचेगा? देखिए सुनना पड़ेगा, पहुँचेगा जरूर। ये पूरे देश में जो स्ट्राइक है पूरे दिल्ली सरकार को और केंद्र सरकार को पूरा आवाज पहुंच रही है और उनको विवश होकर के इस मांगों पर ध्यान देना पड़ेगा वरना जो 19 में चुनाव आ रहा है इसमें ये सरकार आने वाली नहीं है। कल के हड़ताल में जिस तरह से आप लोगों ने पूरा समर्थन दिया, जिस तरह नेतृत्व किया, आपका गला बैठा हुआ साफ तौर पर जाहिर करता है कि आप लोग की हड़ताल पूरी तरह सफल होगी, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए हड़ताल बिल्कुल पूरी तरह से सफल है और सफल होगी और सरकार को झुक करके हमारी मांगे को मानना पड़ेगा वरना हम अगला जो पड़ाव रखेंगे पूरे देश के मजदूर पार्लियामेंट का घेराव करेंगे और पार्लियामेंट के ऊपर जबरदस्त तरीके से कुछ करेंगे और अपने मांग को बनवा करके रहेंगे। जी हाँ, दिल्ली नारायणा औद्योगिक क्षेत्र पूरे तरह से बंद रहा और बंद का नेतृत्व एटक की अगुवाई में किया गया जहाँ हजारों श्रमिकों ने जुलूस के साथ नारों के साथ बंद में शामिल हुए। दिल्ली से कामगार इंडिया की यह रिपोर्ट।